आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से विधायक आजम खान को कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार ने कहा कि आजम खान आदतन अपराधी हैं। आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। देखिए रिपोर्ट। आजम खान को नहीं मिली राहत, जमानत पर एससी ने फैसला रखा सुरक्षित। दो साल से जेल में बंद है आजम खान। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से विधायक आजम खान को कोई राहत नहीं मिली है। आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि आजम खान के खिलाफ एक के बाद एक मामले दर्ज हुए, यानी वो आदतन अपराधी हैं और इस वजह से उनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। उधर आजम खान के वकील की तरफ से दलील दी गई कि यूपी सरकार उनके मुवक्किल को राजनीति द्वेष का शिकार बना रही है। दरअसल आजम खान के खिलाफ हालिया दर्ज हुई एफआईआर को लेकर यूपी सरकार ने बताया कि साल 2020 में मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी और 2022 में आजम खान का नाम जोड़ा गया था। इस पर कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में आजम खान का नाम जोड़ने के लिए शिकायतकर्ता ने दो साल का वक्त क्यों लगाया। इस पर आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने जवाब दिया, ये एफआईआर तब दर्ज हुई थी जब आजम खान जेल में थे। आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर ने कहा कि आजम खान का बयान जब दर्ज किया जा रहा था तब उन्होंने अधिकारी को धमकी दी थी। इस दौरान एसएसजी ने आजम खान द्वारा अधिकारियों को दी गई धमकी कोर्ट के रूप में पढ़ी। उन्होंने बताया, आजम खान ने कहा था, मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, मेरी सरकार आएगी तो एक एक का बदला लूंगा और तुम्हें भी इसी जेल में आना होगा। मेरी सरकार आने दो, देखो क्या हाल करता हूँ। जिस एसडीएम ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया उसको छोड़ूंगा नहीं, मेरी सरकार आने दो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये धमकी नहीं, ये तो नेता रोज कहते हैं। बहरहाल आजम खान के वकील की तरफ से कहा गया है कि आजम खान दो साल से जेल में हैं और उन्हें अब जमानत दे दी जानी चाहिए। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान की न्यायिक जांच की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। कई मामलों में तो आजम खान को राहत मिल गई है, लेकिन अभी भी कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें फैसला आना बाकी। अब देखना यह होगा कि आजम खान को राहत मिलती है या नहीं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ बाल पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।